कितना बड़ा ड्रैगन है भाई। प्रियंका एंड नितिका माय लव आई नो। जैपनीज गार्डन के अंदर शाओलिन का साइन। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। गाइज, इस वक्त मैं आ रखा हूँ यार सेक्टर 31 के अंदर, जो कि है जैपनीज गार्डन। आज इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं कि जैपनीज गार्डन को एक्सप्लोर करूँगा, पर बहुत टाइम हो चुका था, ऐसे ही इधर उधर की वीडियो शूट कर रहा था, तो मैंने सोचा आज जैपनीज गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं भाई जैपनीज गार्डन के अंदर। अभी हम जैपनीज गार्डन के एंट्री पे हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर काफ़ी भीड़ हो रखी है। संडे का दिन है, वीकेंड पे आप यहाँ पे आ सकते हो और भी डेज पे आ सकते हो, बट वीकेंड के दिन ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी चलते हैं भाई, जैपनीज गार्डन की एंट्री है भाई यहाँ से। यहाँ पे कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं है, आप बस एंट्री करो जैपनीज गार्डन के अंदर। और आपने देखा होगा चंडीगढ़ के पार्क्स में दो चार पार्क है चंडीगढ़ के, जैसे कि रॉक गार्डन है और अपना बर्ड पार्क है, तो वहाँ पे आपको टिकट पे करनी पड़ती है। बट यहाँ पे कोई टिकट नहीं पे करनी पड़ती है, फैमिली गार्डन है, ठीक है, फैमिली पार्क है। यहाँ पे जो जापान का जो कल्चर है उसे थोड़ा सा दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जापान की जो स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग जो मंक्स के लिए बनाए गए थे, मंदिर होते थे, वो कुछ इस तरीके के होते हैं। देख सकते हो भाई, ये है जैपनीज गार्डन। तो पवन भाई आ रखे हमारे साथ। पवन भाई का आप पहले, पवन भाई तो पहले भी आ रखा है, वैसे आया तो मैं भी हूँ पहले, है ना पवन भाई। तो कैसे लग रहा है भाई आज वीकेंड में बाहर निकल गए? संडे से बहुत दिनों से निकला नहीं था घर से बाहर, आज निकले हैं संडे। ठीक है, तो भाई ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अब ये पता नहीं भाई ये क्या लिखा है जैपनीज में, शायद इस ये लिखा है जैपनीज गार्डन। ठीक है, शायद यही लिखा होगा यहाँ पे। यार मेरे ख्याल से ये पौंड हुआ करता था, तालाब वगैरह, पर ये बंद हो रखा है। तो आपको शुरुआत से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं वहाँ एंड से कि क्या चीज़ है, फिर आपको मेन वो लेके चलूँगा। मेन वही है वैसे वो सामने, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टार्टिंग से दिखाऊँ। हमने ना दूसरी साइड से एंट्री ले ली है, ये इसका बैक साइड है और इसका फ्रंट वहाँ पे है उधर साइड। तो हम चलते हैं भाई वहाँ पे एक बार, फ्रंट से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो अंकल बैठ रखे हैं, धूप सेक रहे हैं भाई लोग यहाँ पे। यहाँ पे कपल्स कभी आते हैं, वैसे आते हैं कपल्स फ़ोटो वगैरह शूट करवाने के लिए, और लोग भी आते हैं काफ़ी। फैमिली पार्क है यार, यहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हो बच्चों के साथ, एक अच्छी प्लेस है। आप वीकेंड पे बच्चों के साथ यहाँ पे आ सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, जापानीज कल्चर दिखा सकते हो उनको। तो अभी हम चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि क्या हो रहा है पार्क के अंदर। हाँ भवन, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मज़ा क्या आ रहा है, अभी तो बहुत चाहिए साले, मज़ा आ रहा है धक्के से, मज़ा आ रहा है मतलब कुछ भी चल रहा है। इस पेड़ के बारे में बताता हूँ, जो कनाडा का डॉलर होता है, जैसे $1 रुपया हाँ। होगा ना नोट, उसके ऊपर इस पत्ते का छाप होता है, इसे आई थिंक मेरे को नाम नहीं आता ना, ओक ऐसे कुछ बोलते हैं। कनाडा है इसका नाम, कनाडा वाला पेड़ है, कनाडा वाला पेड़ है, कनाडा वाला पेड़ है। तो भाई ये रही इसकी ना मेन एंट्री, ये देख सकते हो आप यहाँ पे ना। अगर आप कभी भी आओगे तो आपको इस साइड से एंट्री करनी चाहिए, ये साइड, ये वाली, ये साइड है इसकी मेन एंट्री, ये देख सकते हो। यहाँ पे वेलकम होता है आपका जैपनीज गार्डन के लिए, ये देखो ये लिखा है। तो ये जैपनीज गार्डन है, तो ये भाई देख सकते हो भाई यहाँ पे ना, ये है इसकी एंट्री। तो मैं सबसे पहले इसीलिए जानबूझ के बाहर आया हूँ कि आपको सबसे पहले ये दिखा सकूँ, बाद में दिखाऊँ आपको अंदर ही अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पता नहीं यार इसे क्यों ऐसे कवर कर दिया भाई, ऐसे करना चाहिए ना, शायद लोग ख़राब कर देते, शायद बैठ जाते होंगे इसके ऊपर, इसीलिए इसको कवर कर दिया। बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवानी हो किसी ने, बहुत ही अच्छी प्लेस है पिकनिक के लिए, बहुत अच्छी जगह है ये, पिकनिक वगैरह करनी हो किसी ने ना, अगर पिकनिक आपको घर वालों के साथ मनानी है, वीकेंड पे आपको बाहर जाने का दिल हो रहा है, तो भाई सबसे बढ़िया जगह है यार ये जैपनीज गार्डन चंडीगढ़ के अंदर। बिना किसी बजट के आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी टिकट पे नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे खेल भी रहे हैं भाई बच्चे, और ये बुद्धा का स्कल्पचर है सामने। और अपना पवन भाई भी खेलेगा। पवन भाई क्या खेलेगा? वो यार नहीं है यार। क्या? अब उससे बच्चे से थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। भाई बच्चा मान गया, बड़ा प्यारा है यार, थैंक यू। ओए ये फ्री का जिम है, सही चीज है, फ्री का जिम है भाई। मुझे लग रहा है मुझे यहाँ सुबह सुबह आना चाहिए। क्या कहता है भाई ये क्या, ये स्टेयरिंग से क्यों है भाई? देख लो भाई डीजे। चल 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 आजा, आ आगे चलते हैं। बहुत अच्छी जगह है।
यार यहाँ पे ना जो जैपनीज ट्रीज होते हैं वो ज्यादा है ना, काफी अच्छा है ये भी बॉन्साई टाइप का है ना कुछ, ये कितना प्यारा बना रखा है, ये बॉन्साई है ना, तो बड़ा बॉन्साई है ना। पवन भाई इसको इसका प्रॉपर नाम पता है इस पेड़ का क्या? फाइकस। क्या बात है पवन भाई, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं यार पेड़ों की, ट्रीज की। इसीलिए मैं पवन भाई को साथ में लेके आया हूँ ताकि जितने भी यहाँ पे ट्रीज प्लांट हों सबके नाम मुझे बता सकूँ मैं तुमको कि कौन कौन से प्लांट है। भाई इसे क्या कहते हैं, कनाडा वाला पेड़ है? मैपल। मैपल मैपल बोलते हैं। हाँ नाम याद आ गया, मैपल। पर आज से हमने इसको क्या कहना है, कनाडा वाला पेड़। ये कनाडा वाला पेड़ है भाई। ये ऐसा क्यों है? यहाँ पे और भी स्कल्पचर्स है भाई, हमने लगभग पूरा पार्क देख लिया है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने वाली, और भी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक फिश है आपको दिखाता हूँ, अभी देखो। सारी जापान से रिलेटेड है, जाए पेड़ है, जाए पौधे, जाए स्कल्पचर, सारा कुछ जापान। ये देखो भाई, यार यहाँ पे पानी होना चाहिए यार, तभी तो मज़ा आता है ना। पानी पता नहीं क्यों नहीं है भाई यहाँ पे, देखो होना तो चाहिए यार, बिना पानी के ये अजीब सी लग रही है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। हाँ पता है मेरे को लगता है यहाँ पर कोई बड़ा सा दाना दूना आया होगा, वो सारा पानी पी गया, वो बड़ा प्यासा होगा, इस करके यहाँ पानी नहीं है। अब वो दोबारा पानी भी नहीं डाल रहे जापान वाले, जापान में वो दरियाई घोड़े भी तो इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनने पी लिया होगा सारा पानी इनका, हो सकता है। ये तो गलत बात है ना, यहाँ पर फिर कैसे मज़ा नहीं आ रहा। अब बोलो इन्हें पानी पूनी भेजे, जापान जापून से भेजना चाहिए अब पानी, तभी मज़ा आएगा। जापान से थोड़ी मंगवाएंगे पानी, जापान का गार्डन है तो जापान से ही पानी आना चाहिए। अरे हम दूसरी तरफ भी चल रहे हैं, एक साइड है, ये तो दिखा दूँ। तो ये है भाई यहाँ का मेन, जिसे कहते हैं भाई जैपनीज गार्डन की पहचान। भाई ये देखो पवन भाई आपको कुछ कहना चाहते हैं इन प्रेमी जोड़ों के लिए जो यहाँ पे आके ऐसे काम करते हैं, कभी भी नहीं करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब। पवन भाई क्या कहना चाहोगे इनके लिए? यार आप अपनी फैमिली के साथ आते हो, चाहे दोस्तों के साथ या चाहे कपल ही आते हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल नव ऋतु क्या है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो सब ये सब देखते हैं। ये देखिए लिखा प्रियंका एंड नितिका, माय लव, आई डोंट नो। नंबर भी दे रखा है भाई, देख लो भाई नंबर भी दे रखा है, जैसे लग रहा कॉल गल है। क्या गलत सीन है यहाँ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बंद करा हुआ शादी से ना। अरे ऐसे मत करो यार। ये गलत काम है। क्या बात है भाई, बॉयफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स मतलब जैसे भाई साहब, गलत सीन है। है ना, और दूसरी साइड तो हमने एक पोर्शन जो है, एक पार्ट जो है जैपनीज गार्डन का वो देख लिया है। अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड जैपनीज गार्डन की, जो कि यहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ता है अंदर। यहाँ पे फूड कोर्ट भी, आप खाना वगैरह भी खा सकते हो यहाँ पे, कुछ आपको और पीने का हो मन तो वो भी पी सकते हो, पीने का इन द सेंस कि आपको अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कुछ पीना हो। पवन भाई हेल्पिंग, क्या बात है क्या बात है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेंटिंग्स है भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो यार यार फूड कोर्ट बंद हो रखा है, ठीक है, और वो भी बंद है। जो सामान मिलेगा भाई बाहर ही मिलेगा खाने के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा अभी क्योंकि फूड कोर्ट बंद हो रखा है और जो खाने पीने की जगह है वो बंद कर रखी है यहाँ पे अंदर, शायद कोविड की वजह से सारा बंद करा हुआ है ये। देखा इनके, मैं सही कह रहा था ना, इनके तालाब में पानी नहीं है, वो देखो वो रहा बड़ा सा दाना वो पी गया। ओ भाई ड्रैगन, ये रोज रात को पी जाता होगा। पवन भाई क्या बोल रहे हो, रोज रात को पी जाता होगा पानी, तभी रखा है, देख रहे हो कितना बड़ा है दाना सा। हाँ यार दानव तो बहुत बड़ा है भाई, भाई मैं भी लूँगा भाई बच्चों के साथ। अब मैं इस ड्रैगन के ऊपर जा रहा हूँ चढ़ने के लिए,
बचपन की याद गिराते नहीं है। जाओ जाओ आराम से जाना है। वन सर भाई हट जाओ, मेरी ब्रेक का फेल है। ओ भाई आप लेना चाहोगे इसका मजा? मजे है भाई, बहुत टाइम बाद। आजा पीछे बंद जल्दी। आराम से आजा। भाई मजे ले रहे हैं यहाँ पे पवन और मैं। एक ड्रैगन और है सामने, वो दिखाता हूँ। ये देखो ड्रैगन, इसने भी भाई पानी पिया है। और ये ऐसा क्यों है, सुकड़ा साइज लगता है, इसकी मम्मी इसे खाना नहीं देती थी। खाते पीते घर से नहीं आए भाई, जापान से इंपोर्ट कराना पड़ता है इसके लिए खाना, समझ गया? इसकी मम्मी इससे प्यार नहीं करती लगता है। भाई दिन में लाइटें क्यों जल रखी हैं पता नहीं, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ दिन में लाइटें क्यों जल रही हैं। काफी बड़ा है, बहुत बड़ा पार्क है भाई, बहुत बड़ा। और वहाँ पे सामने इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, नेशनल फ्लैग, तिरंगा। तिरंगा देख के मेरा दिल खुश हो जाता है भाई। यहाँ चलते हैं अंदर, चेक करते हैं क्या चीज़ है ये। आज जनता बहुत इकट्ठी हो रखी भाई। पता नहीं यार इसे लॉक करा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो अंदर। फोटो खिंचवाने के लिए अच्छी जगह थी वो, सामने शाओलिन का निशान बना हुआ है। और काफ़ी अच्छे स्कल्पचर्स रहे यहाँ पे, वो देख सकते हो आप, बुद्धा का स्कल्पचर है वहाँ पे सामने छुपा हुआ है यार। वो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने की, बट शायद वो दिख नहीं पाएगा अच्छे से। बुद्धा यार आप कह सकते हो कि एक पीस शांति का प्रतीक है बुद्धा, ठीक है, नॉलेज का प्रतीक है बुद्धा। तो भाई ये है बुद्धा। आप पार्क का और भी देख सकते हो यार, पार्क जो है काफ़ी फैमिली गार्डन है ये। लोग यहाँ पे वैसे भी आते हैं, एक तो फ्री है, ऊपर से यार कह सकते हो कि ऐसा पार्क आपको देखने को कम ही मिलते हैं। चंडीगढ़ के अंदर जैपनीज गार्डन की यार एक अलग ही मज़ा है, लोग यहाँ पे आते हैं यार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ना। तो देख सकते हो ये पवन भाई मज़े ले रहा है यहाँ पे भाई। ये कैमरा ना पहले हुआ करता था ये बंदा, यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है भाई, ठीक है, और वीडियो बनाई जा रही है। पहले होता था ना ऐसे कैमरे, हमने देखे होंगे, रील डलती थी उनके अंदर वो घूमने वाली। क्या बात है भाई, यहाँ पे झूले भी लग रखे हैं। कितना बड़ा ड्रैगन है भाई। और हो रहा भाई फ्लैग सामने, ये देखो भाई एक और पार्क के अंदर एक छोटा सा और पार्क जहाँ पे काफ़ी स्कल्पचर वगैरह हैं। फोटो शूट के लिए अच्छी लोकेशन है, शाओलिन का साइन देख सकते हो सामने। और ये सारी बैठने के लिए हैं, इनके ऊपर आप बैठ के फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। ये देखो भाई जैपनीज गार्डन के अंदर शाओलिन का साइन, इसे कहते हैं भाई शाओलिन। पवन भाई बोल रहा है जापान का कुतुब मीनार। ये कुछ था भाई जैपनीज गार्डन। अगर आपको वीडियो पसंद आई थी तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।